नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं जो ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हूँ वो रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है अबाउट पेज मेकर से रिलेटेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजेश जी ने कमेंट किया है कि टेल मी हाउ टू इंक्रीज द हाइट ऑफ टेक्स्ट इन पेज मेकर। तो सबसे पहले मैं राजेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरा ट्यूटोरियल देखा और आपने कमेंट किया और ये जानना चाह रहे हैं कि हाइट जो टेक्स्ट का हाइट है कैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो मैं आपको अवश्य बताऊँगा। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्पेशली राजेश जी के लिए है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। तो यहाँ पे देखें कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो टेक्स्ट तो लिखना बहुत ही आसान है एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर। अब इसका हाइट कैसे बढ़ाएंगे, दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, सिंपल और दो आसान तरीके। तो जो भी आप टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं उसके बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एडोबी पेज मेकर के लेफ्ट हैंड साइड में ये टूल बॉक्स है, ये टेक्स्ट टूल है। तो इससे पे क्लिक कीजिए टेक्स्ट लिखने के बाद, और जिस टेक्स्ट का हाइट को इंक्रीज़ करना है उस टेक्स्ट को आप इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट कर दीजिए। ये जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं पहला तरीका आपको दिखा रहा हूँ, सिंपल और आसान तरीका। टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एडोबी पेज मेकर 7.0 ये आपका टाइटल बार है, उसके बाद ठीक नीचे मेनू बार दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखिए टाइप का जो मेनू है उसमें क्लिक कीजिए, उसके बाद टाइप का मेनू पे क्लिक करने के बाद जो लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट उभर कर आएगा कुछ इस तरह नज़र आएगा। उसके बाद आपको साइज़ में जाना है, साइज के सब मेनू में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा साइज़ आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 30, 36 जैसा आपको साइज़ चाहिए, सपोज़ मुझे 36 चाहिए तो 36 पे क्लिक कर दीजिए, देखिए 36 का साइज आ गया यहाँ पे। उसके बाद इसे बाहर क्लिक कर दीजिए, देखिए टेक्स्ट का साइज हाइट सब इंक्रीज हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर इस फिर से इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ इस टेक्स्ट को, और फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे मेनू बार में गया, टाइप में गया, उसके बाद साइज है यहाँ पे साइज में गया, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे सबसे लास्ट साइज दिया 72। अगर मान लीजिए 72 से ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे, अदर पे क्लिक कीजिए। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अदर पॉइंट साइज दिया हुआ है, यहाँ से 36 अभी दिखा रहा है, ये जो साइज है ये 36 है। अगर मान लीजिए 72 से ज़्यादा चाहिए मुझे साइज तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करके यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 80 पॉइंट का साइज ले रहा हूँ। अब ओके कर देता हूँ, ओके ये देखिए साइज मेरा इंक्रीज़ हो गया, देख सकते हैं आप। अब अगेन आपको इसको छोटा करना है तो अगेन आप मेनू बार में जाइए, टाइप में जाइए, साइज में जाइए। अब यहाँ से देखिए लास्ट 72 है और अदर से आप साइज़ को 72 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए फिर से मैं इसे 24 कर देता हूँ, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका क्या है, सिंपल है। दूसरा तरीका आपको दिखाता हूँ किसी भी टेक्स्ट का साइज़ को इंक्रीज़ कैसे करते हैं, सिंपल है। जिस टेक्स्ट का साइज़ को आपको इंक्रीज़ करना है, हाइट को इंक्रीज़ करना है, सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद नीचे एक आपको इस तरह का पैलेट दिखाई देगा, इसे बोलते हैं कंट्रोल पैलेट। देख लीजिए ध्यान से कंट्रोल पैलेट, मान लीजिए ये कंट्रोल पैलेट नहीं है आपके, जब आप एडोबी पेज मेकर को ओपन करते हैं तो ये कंट्रोल पैलेट अगर नहीं है तो क्या करेंगे, वो भी कैसे लाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल है, आप यहाँ मेनू बार में जाइए, यहाँ पे देखिए फाइल एडिट, यहाँ पे जाइए विंडो मेनू में आएंगे, यहाँ पे विंडो पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे दिया शो कंट्रोल पैलेट दिया हुआ है, ये देखिए शो कंट्रोल पैलेट, इस पर क्लिक कीजिए वो पैलेट यहाँ पे आ जाएगा, आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको यहाँ पे साइंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये देखिए टी लिखा हुआ है, ठीक उसके बगल में एक बॉक्स आपको दिखाई देगा 12.6, मतलब जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर रखा है उसका साइज है 12.6। उसके ठीक उसके राइट हैंड साइड में एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए अलग अलग साइज आपको दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे 60 है, 40 है, यहाँ पे मान लीजिए मैं 48 लेता हूँ, देखिए 48 आ गया। मान लीजिए आपको 50 चाहिए, 48 का साइज इंक्रीज हो गया। मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 30, 48, 60, 36, 30, मान लीजिए आपको पर्टिकुलर 50 चाहिए, अभी तो यहाँ पे 48 है तो इसे सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद टाइप कर दीजिए 50, यहाँ पे 50 टाइप कर दिया, उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। इंटर प्रेस करने से देखिए आपका साइज हो गया, ये देखिए साइज इसका बढ़ गया। सिंपल है, इसके द्वारा भी आप इसका साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं। सिंपल और आसान तरीका मैंने आपको दिखाया, दो तरीके बताएं, एक आप कंट्रोल पैलेट से भी साइज वगैरह इसका बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट का, और दूसरा तरीका है टाइप में जाइए, साइज में जाइए, यहाँ से भी आप इसका साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा राजेश जी, और अगर आप मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं अच्छा लगा तो कम से कम डिसलाइक कीजिए।
अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं एडोबी पेज मेकर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा, आशा करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ, आप जो कमेंट करेंगे उस रिलेटेड ट्यूटोरियल आपके लिए बना दूँ। देखिए मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जो आप कमेंट करते हैं, जो आप रिक्वेस्ट करते हैं, उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड मैं ट्यूटोरियल लेकर बनाने का कोशिश करूँगा। मेरा ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।